शहर का कौआ गांव का कौआ। सुवर्णपुर नाम का एक गांव में एक पेड़ पे एक कौआ रहता था। जंगल में खाने को जो मिलता था वो वही खाता था और खुश था। एक बार उस इलाके में महामारी हो गई। ऊपर से वो गर्मी का मौसम था तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था। बेचारा कौआ पानी के लिए बहुत ढूंढता था पर उसे पानी मिलता ही नहीं था। एक दिन शहर से उसका एक दोस्त कौवा पहुंचा। उस कौवे ने कहा, दोस्त कैसे हो, कई दिन से मिले नहीं, शहर में अब और मन लग नहीं रहा, कुछ दिन गांव के खुली हवा में सांस लेने में चला आया। गांव के कौवे ने कहा, तुम आए अच्छा हुआ दोस्त, इतनी दूर से मुझसे मिलने आए धन्यवाद, पर यहाँ परिस्थितियां अच्छी नहीं है, ऊपर से पीने को पानी भी नहीं मिलता, बहुत कष्ट है। शहरी कौवे ने कहा, दोस्त हर समस्या का एक समाधान होता है, ठंडे दिमाग से सोचने से समाधान खुद ब खुद मिल जाता है। गवार कौवे ने कहा, तो इंतजार क्यों, चलो जाके कहीं खाना ढूंढते हैं। फिर वो दोनों वहां से खाना ढूंढने निकल पड़े। फिर उन दोनों ने अच्छे से खाना खाया और उड़के वापस आने लगे। बीच में वो दोनों एक पेड़ पे बैठे। शहरी कौवे ने कहा, दोस्त कई दिन बाद बहुत अच्छा खाने को मिला, धन्यवाद, पर अब मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए। तुमसे पहले ही कहा था ना दोस्त, यहाँ पानी मिलना बहुत मुश्किल है, रुको मैं देखता हूँ कहीं थोड़ा पीने को मिल जाए। ये कहकर वो इधर उधर ढूंढने लगा। तब उसे एक घर के सामने रखा हुआ एक मटका दिखा। दोस्त उस घर के सामने एक मटका है, चलो जाके देखते हैं कहीं उसमें पानी हो। दोनों कौवे उड़ के आके मटके पे बैठ गए। मटके में पानी तो था पर काफी अंदर था। उन दोनों ने बहुत प्रयत्न किया पर पानी तक पहुंच नहीं पाए। गवार कौवे ने कहा, दोस्त तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें बचपन की कहानियां याद है, इस पानी को ऊपर उठाने के लिए हमें पत्थर डालना पड़ेगा, तब पानी ऊपर उठेगा, चलो पत्थर लाके डालते हैं। तुम कौन से युग में जी रहे हो दोस्त, दिन बदल चुके हैं, पत्थर लाके इसको भरने में कितना समय लगेगा क्या तुम जानते हो? रुको मुझे सोचने दो, पत्थर से मटकी भरने का उपाय बहुत पुरानी है, मेरे पास नया उपाय है। गंवर कौवे ने पूछा, क्या उपाय है जल्दी बताओ दोस्त। शहरी कौवे ने कहा, हमारी शहर में लोग कोई भी चीज पीना हो तो उसमें एक पाइप डाल के फिर उसमें से चूसते रहते हैं, उसको स्ट्रॉ बोलते हैं, वैसे स्ट्रॉ तो यहाँ मिलती नहीं है, पर उसकी तरह कोई गोल सी पाइप मिल जाए। दोनों पाइप ढूंढने निकले तो उनको जमीन पे पड़ा हुआ पेड़ का सूखा हुआ कुछ डंडा दिखा। फिर उन दोनों ने उन डंडों का इस्तेमाल करके मटकी में से अच्छे से पानी पिया। फिर वो दोनों खुश होके वहां से उड़ गए। तो बच्चों हम अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो कोई भी समस्या का समाधान हमें मिल सकता है, समझ गए?